राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 20 जुलाई को अभियान चलाकर दवा खिलाई जाएगी। इसके तहत जिले के निजी सरकारी विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। कृमि संक्रमण कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। पेट के कीड़े संक्रमित व्यक्ति के शरीर से पोषण लेते हैं, इसके कारण अच्छा पौष्टिक भोजन देने के बाद भी बच्चा कुपोषित रहता है। 1 से 19 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों और किशोरों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए प्रदेश में वर्ष में 2 बार अभियान चलाया जाता है। इस वर्ष भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 20 जुलाई के अवसर पर शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर कृमि मुक्ति के लिए अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 20 जुलाई को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। कृमि मुक्त का मतलब है उन बच्चों को कुपोषण से बचाना जो अच्छी डाइट लेने के बावजूद भी कुपोषित रह जाते हैं, जिनका पूर्णतः विकास नहीं होता। वजह होती है पेटों में कीड़े, और उन कीड़ों को मारने के लिए एक सरकार की ओर से गोली बनाई गई है अल्बेंडाजोल। उस अल्बेंडाजोल गोली को आज जो है पूरे देश में एक साथ राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर खिलाया जाएगा। और अगर हम बात करें जालौन जिले की, तो यहाँ जालौन जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियाँ बिल्कुल चाक चौबंद है। और आज सुबह से ही जिले के लगभग जो है 7,19,243 जो बच्चे हैं उनको अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाएगी। इसको लेके जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, व्यवस्थाएं हो गई हैं। और इस जिले में 1241 आशा बहुओं को इस कार्य के लिए लगाया गया है, और 1811 आंगनवाड़ी केंद्र में आज आंगनवाड़ी जो आशा जो बहुएँ हैं आंगनवाड़ी बहुएँ हैं उनको लगाया गया, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको लगाया गया। यानी कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कृमि मुक्त दिवस पर अल्बेंडाजोल की गोली का सेवन जो है महत्वपूर्ण है, और इसके लिए सरकार द्वारा जो है जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आज इस कृमि मुक्त दिवस पर मैं भी आप इस चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि कृपया अपने बच्चों को इस कुपोषण से बचाने के लिए जागरूक हों और सरकार का साथ दें। और अल्बेंडाजोल की जो टैबलेट है उम्र के हिसाब से जिनकी MG तय की गई है उसके हिसाब से बच्चों को जरूर खिलवाएं। इस गोली से पेट के कीड़े मर जाएंगे, बस इसमें एक ही सावधानी बरतनी होती है कि इसको चूस के या चबा के खाई जाती है। अच्छी सी मीठी गोली है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं और इसमें पेट के कीड़े मर जाएंगे। और जितनी ज़्यादा मात्रा में लोगों को ये हम बच्चों को खिलाएंगे तो उतने लोगों के पेट में जिनके भी कीड़े होंगे तो फिर ये अंडे भी एक साथ जो है वातावरण से ख़त्म होंगे, तो फिर दोबारा जो है जल्दी किसी को कीड़े होंगे। कितने बच्चों का टारगेट? 7,19,243 बच्चों का लक्ष्य हमारा है, एक वर्ष 19 वर्ष के बच्चों का। जैसे इस अभियान को कैसे गति दी जाएगी, कितने कर्मचारी? इस गति के लिए हमारी जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसमें सभी संबंधित विभागों को भी बुलाया गया और जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में और उनके निर्देशानुसार ही कार्यक्रम आयोजित किया जाए।